अब क्या प्लान है भाई नेक्स्ट? कौन चला? अब हम चलते हैं सर ऊपर की तरफ, उधर में एक जगह है कहाँ पर? ऊपर लास्ट। अच्छा गाड़ी से वहाँ चलेंगे। चलो फिर निकलते हैं यार, चलो आ जाओ। अब चलते हैं नीचे रोड पे गाड़ी के पास और वहां से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको सीधा गाड़ी में। गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हम यहां से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा, और यहां से अब जा रहे हैं हम आगे इसी रोड से। तो आगे हमारी गाड़ी खड़ी है, शिराज भाई पीछे है, मुशायद, अब्बास, आपका क्या नाम है? मुशायद, मुख्तार भाई, मुख्तार भाई भी हमारे साथ हैं। और हम अभी बर्फ में देख सकते हैं आप, वो इतनी ज़्यादा बर्फ है यार यहाँ पे। तो गाड़ी के पास पहुँचने वाले हैं हम, तो बैठते हैं अपनी गाड़ी में और यहाँ से निकलते हैं सीधा आगे, और आपको दिखाते हैं आज न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करके। तो अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी, तो ये लोग बैठेंगे पीछे क्योंकि पहले मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ अब मैं ही ड्राइव करता हूँ। सो बैठ चुके हैं हम अपनी गाड़ी में। सो गाइस चलते हैं अब हम, ये जो रोड हम आप देख रहे हो जिस पे हम अभी जा रहे हैं, ये जो रोड है ये जाती है कालाबंद, जो मेंढर के साथ भी वहाँ से कनेक्ट होती है। तो अभी हम ऊपर चलेंगे थोड़ा सा आगे, कालाबंद तो नहीं जाएंगे बट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। और रोड काफ़ी अच्छी है, ये लुक वगैरह पड़ी हुई है इस पर, तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। हो सकता है आगे बर्फ़ ना हो, कोहरा वगैरह ना पड़ा हो, तो ब्लैक आइस होती है उस पर स्लिप होने का खतरा होता है गाड़ी को। तो यहाँ पर एक वाटरफॉल हमें दिखा है, तो मैंने सोचा आपको दिखा ही देते हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये। नूरीशाम से बड़ा तो नहीं है ये, या तो मंडी में एक नंदी छूल है वो तो बहुत बड़ा है, बट ये एक छोटा सा है यहाँ पे। अभी इसका कुछ नाम तो पड़ा नहीं है, हम ही ने एक्सप्लोर किया। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यहाँ पे बर्फ़ स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ आ रही है ऊपर से। तो गाइज यहाँ पे बर्फ़ पड़ने का मेन रीज़न है कि ये काफ़ी हाइट पे जगह है, तो जैसे पीर पंजाल रेंज में ही आती है ये भी ऊपर, तो यहाँ पे जल्दी स्टार्ट हो जाती है, मतलब टेम्परेचर जो है माइनस हो जाता है बहुत जल्दी, और यहाँ पे कभी भी बर्फ़ बारिश कभी भी हो सकती है यार। तो अब हम भी थोड़ा चलते हैं, आज एडवेंचर ही हो जाएगा, और रास्ता तो ठीक ही है यार फिलहाल, तो हम जल्दी से आगे निकलते हैं यहाँ से। नीचे आप देख रहे होंगे वहाँ कितनी धूप लगी हुई है, बट यहाँ पे बर्फ़ हो रही है भाई। सामने एक घर भी दिख रहा है हमें, आग भी जल रही है वहाँ पे। तो यहाँ के लोग यार काफ़ी सर्दी वाले एरिया में रहते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इन लोगों को तो बर्फ़ ही देखने को मिलती होगी हमेशा। और आगे हमारी विंड स्क्रीन पे सीधा बर्फ़ आ रही है भाई। सो सामने शास्तार का वो जंगल जहाँ हम पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था, तो उस जगह पर हम गए हुए थे, आपको जूम करके दिखाते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, अभी स्टार्ट ही हुई है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमें मज़ा आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ यार रुकते हैं यहाँ पे, तो फिर आपको दिखाते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा यार, चलो रुक जाते हैं यहाँ पे। देख रहे हो आप यार कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यार, ये देखिए पीछे कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। अभी हमने उधर जाना आगे, वहाँ से आगे जाएंगे, और पीछे मेरे आप देख सकते हो बर्फ़ आ रही है ऊपर से ही, ये देखिए मेरी स्वेटर पे पड़ रही है बर्फ़। तो अब्बास भाई हमारे गाड़ी में ही बैठे हैं। अब्बास भाई क्या बात है भाई, बाहर आओ, सुस्त पड़ गए बर्फ़ में। तो ये देखिए, ओह माय गॉड कितनी ज़्यादा बर्फ़ है भाई। और नीचे रोड में भी आपको बता देता हूँ, वहाँ से हम आए सामने, वहाँ से सीधा ऊपर आए हम, तो अच्छा लग रहा है ऐसा नज़ारा देखा है कहीं कभी नहीं। हाँ तीन सालों में पहली बार।
भाई पहली बार हम गाड़ी लेके इतनी स्नो में आए हैं यहाँ पर शास्तार में। वैसे तो काफ़ी जगह गए हुए बट यहाँ पर पहली बार आए हम गाड़ी वगैरह लेके। सो गाइज बैठते हैं आप गाड़ी में और यहाँ से निकलते हैं आगे, तो और आगे आपको दिखाते हैं। अभी हमने ऊपर जाना हाइट पे, तो चलिए चलते हैं फिर। सो गाइज आप चलते हैं यहाँ से आगे और ऊपर पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। काफी ज्यादा स्नो है यहाँ पे भाई, पीछे जगह है उधर जगह है, वहां से क्रॉस हो सकती है जी। हाँ हाँ निकल जाएगी, कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो है और तो भाई निकल रहे हैं हम आगे। आगे से एक भाई आ गया था भाई, आप सीधी आंदो इस जगह पे आंदो, मैं इस जगह बहुत जगह है। बस आंदो 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 बस निकल जाएगी। थैंक्स आंदो आंदो बस 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 रहने दो। क्या नाम है, हम भी सब्सक्राइब कर देंगे अच्छे से। आज हमारी गाड़ी फंसने वाली थी आज, तो काफी यार ये स्नो की वजह से सिंगल रोड थी यहाँ पे, तो आगे से एक भाई आ रहे थे तो उनके पास भी जगह नहीं थी, फिर उन्होंने बैग की गाड़ी, तो आराम से हम निकल आए वहाँ से। तो भाई यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा है बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप ऊपर पहाड़ कितने ज़्यादा हैं। तो अब हम सोच रहे हैं आगे थोड़ा सा जाएंगे और वहाँ से फिर वापस ही आएंगे यार। तो ये रोड सीधा कालाबंद की तरफ जा रही है, आगे हमें एक डॉग मिल चुका है बहुत ही खतरनाक शिकारी। काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं आज एंजॉय करने के लिए, तो ये देख सकते हैं आप फोटो वगैरह ले रहे हैं। आगे बहुत ज्यादा बर्फ है, ये भाई हमारे साथ आ रहे थे पीछे पीछे अपने टेम्पो में, तो इनके पास भाई आप क्या सामान रखते हैं? हमारे पास छोटा सामान था, चॉकलेट टॉफी पान तो सब कुछ था। तो आपने जाना कहाँ था? तो सामान लेने के लिए आए थे, लेकिन हम जैसे ही देखा थोड़ा घूम चल सकते हैं, तो ये भी एंजॉय करने के लिए आए थे यहाँ पे स्नो में। तो ठीक है भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू भैया। ओके तो गाइस ये देखिए कितनी स्नो यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो चुकी है, आगे रास्ता थोड़ा सा बंद हो गया, तो हम थोड़ा सा आगे गाड़ी लेके जाएंगे, थोड़ा सा एडवेंचर करेंगे वहाँ पे, थोड़ी स्कीडिंग करेंगे गाड़ी की, तो वहाँ से फिर वापस घुमाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पे, और ये जो सामने का एरिया आप देख रहे हो नीचे मेंढर आ गया कालाबंद,
उस साइड में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे आके आज। तो यहाँ पर खड़ी है हमारी गाड़ी। सो अब्बास भाई, बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही है यार यहाँ पे। सर आज हमें बहुत अब यहाँ से हम निकलेंगे कैसे यार, गाड़ी हमारी निकल जाएगी? बहुत ही मुश्किल है सर, आप गाड़ी नहीं निकल सकती और बर्फबारी हो रही है यार। वो पीछे गाड़ी जो है वो फंस चुकी है वहाँ पे, देख सकते हैं आप। वो आगे ले गया था भाई, यहाँ से उसको आगे जाना नहीं चाहिए था, बट वो एडवेंचर के चक्कर में आगे चला गया। हम आगे नहीं लेके जाएंगे गाड़ी, हमें इधर से ही टर्न करना है और सीधा घर की तरफ निकलना है। बर्फ हो रही है बहुत ज्यादा यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं भाई की हेल्प कराने के लिए, ये हमारे पास है बर्फ उठाने वाला, तो करते हैं। अब गाड़ी निकल नहीं रही है तो हम भाई की हेल्प कर देते हैं। भाई स्लिप हो रही है बहुत ज्यादा यार यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी सी शराज भाई हेल्प कर रहे हैं। तो इस गाड़ी को देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम आगे अपनी गाड़ी नहीं ले जाएंगे भाई। धक्का मारो सारे यार, धक्का मारो फिर निकलेगी ऐसे। तो धक्का लगाने लगे यहाँ से सारे। अब स्ट्रेस हाइड हो जा। तो फाइनली हमने हेल्प करी भाई की, गाड़ी निकल गई और अब यहाँ से टर्न कर लेंगे और फिर वापस यहाँ से जाएंगे। बर्फ में एंजॉय करने के बाद अब हम खाने जा रहे हैं टकाटक। तो भाई निकालो टकाटक, किसके पास है टकाटक? खोलो यार इनको, काफी ज्यादा भूख लगी है, हम कुछ घर से भी नहीं लेके आए थे आज। तो भाई खाना लाया था भाई हमने घर से, लेकिन फुलके वगैरह लाए थे, वो भी निकालो। तो निकालो यार वो। तो गाइस करते हैं अब यहाँ पे थोड़ा सा लंच, हम लंच हो रहा है हमारा यहाँ पे, लंच भी नहीं सफर है ये हमारा, 4 बजे हैं। तो बाहर देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा बर्फ है और हम यहाँ अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, कुछ खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। ये तो सब तो ये देखिए हम टकाटक खा रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस ये हमने घर से खाना लाया था, ये देख सकते हैं आप, ये है सब्जी सरसों की और आम का अचार है और चपाती है। तो एंजॉय करते हैं, खाते हैं और फिर आराम से यहाँ से निकलेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी यहाँ पे लग रहा है ये खाना हमें। गाइस हमने आज सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, क्योंकि दिन को जब हम आए थे तो धूप थी अच्छी खासी और यहाँ पर आके हमें तो यार कुछ और ही नज़ारे लगे। और गाड़ी यहाँ पे हमने लाई बर्फ में, फुल एंजॉय किया आज हमने। तो अभी खाना वगैरह खा रहे हैं हम। सो अब हम यहाँ से निकलते हैं वापस, देख सकते हैं आप गाड़ी में कितनी फॉग जमा हो गई है, वाइपर वगैरह चला दिया हमने, आगे से कोई गाड़ी ना आ रही हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो लोग यहाँ पर गाड़ियाँ लगा के एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर बिल्कुल गुलमर्ग की तरह यार यहाँ पे, कितनी ज़्यादा अच्छी प्लेस है। तो टूरिज्म को यहाँ के बारे में कुछ सोचना चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसे बनाने चाहिए टूरिस्ट के लिए कि आ सके, यहाँ पे रुक सके, एंजॉय कर सके, होटल वगैरह बनाने चाहिए। तो यार बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है ये शास्तार, तो इसकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो सामने गाड़ी एक फंस चुकी है बर्फ में, तो बर्फ अभी जा रही है भाई, चल रही है बर्फ और हम भी चल रहे हैं।
तो हमारे अब्बास भाई आ रहे हैं वापस जाम को खुलवा के, तो अब हम निकलते हैं आगे। यहाँ से निकल चुके हैं, जाम खुल चुका है, गाड़ी एक फंसी थी तो अब्बास भाई की वजह से आज गाड़ी निकल गई भाई। थैंक यू, हैट्स ऑफ अब्बास भाई। जी सर, यू आर अ गुड पर्सन। जो आगे टेम्पो वाले जा रहे हैं, ये जा रहे थे किसी को सामान देने आगे, बट आगे रास्ता बंद था, ये भी अब वापस जा रहे हैं। इनके पास टकाटक कुरकुरे थे, अगर इनका टेम्पो फंस भी जाता कहीं तो ये कुछ ना कुछ खा लेते भाई, टकटके ही खा लेते, कुरकुरे की तो मैगी बन जाती। तो वो जो सामने आप प्लेस देख रहे हो वहाँ भी ज्यारत है, तो वहाँ भी जाएंगे यार किसी दिन, फिर आएंगे। आज तो ज्यादा बर्फ हो रही है तो आज हम जा नहीं पाएंगे। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, स्नोफॉल हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ से हम थोड़ी सी स्नो ले लेते हैं। इसमें बर्तन लाया हुआ हमने, इसमें लेते हैं अदनान के लिए, उसको स्नो बहुत पसंद है तो उसके लिए लेके चलते हैं स्नो। मुशायद भाई के पास भी कोई लिफाफा वगैरह है तो उसमें भी भर लेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे भाई, ऐसी मस्त मस्त वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहे, और 1K सब्सक्राइबर जल्दी से हम हिट करेंगे। और ऐसी ऐसी जगहों पे आके एंजॉय करें। हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे, फिर से हम आएंगे और आपको एक नई जगह एक्सप्लोर करके बताएंगे। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ये हम हैं, ये हमारी कार है, और वो शिराज भाई है, तो हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बर्फ में। Thank you.